है। 70 के दशक की सबसे अमीर माँ का किरदार निभाने वाली हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सुषमा सेठ के बारे में आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा जगत में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। महज 40 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने वाली सुषमा सेठ ने 6 दशकों तक फिल्मों में काम किया, जहाँ उन्हें फिल्मों में ज्यादातर माँ और दादी का किरदार निभाने के लिए जाना जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सुषमा सेठ से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए जानते हैं हम इनके बारे में। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सुषमा सेठ दिल्ली की रहने वाली हैं। इनका जन्म 20 जून 1936 को हुआ था। इनके पिता अपने भाइयों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। ये वह दौर था जब महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, लेकिन सुषमा सेठ का परिवार आजाद ख्याल का था, जिसके कारण उनके घर की महिलाओं को सब कुछ करने की आजादी थी। सुषमा अपनी माँ प्रकाश रानी से बेहद प्यार करती थी। उनके लिए वह कहती है कि उन्होंने हमेशा हर कदम पर सपोर्ट किया है। सुषमा सेठ की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक कॉन्वेंट एंड जीसस मैरी स्कूल से हुई है और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी दिल्ली से ही किया है। इसके बाद वे अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए अमेरिका चली गईं। सुषमा जब अमेरिका जा रही थी तब लोगों ने इनके पिता को अपनी जवान बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए खूब रोका, लेकिन इनके पिता ने किसी की ना सुनी और उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका जाकर सुषमा ने ड्रामा सब्जेक्ट में स्टडी करना शुरू कर दिया। बस यहीं से उन्होंने अपने सफलता की उड़ान भरना शुरू कर दी। अमेरिका में रहने के दौरान इन्होंने नाटकों में खूब हिस्सा लिया। अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद सुषमा फिर से भारत आ गईं। भारत आने के बाद सुषमा ने ये फैसला किया कि वह अब थिएटर करेंगी। इसके बाद इन्होंने हिंदी और उर्दू नाटकों में खूब काम किया। वहीं साल 1960 में दिल्ली के एक थिएटर आर्टिस्ट के साथ मिलकर सुषमा ने यात्रिक नाम के एक थिएटर की शुरुआत की। बताया जाता है कि सुषमा थिएटर में हर तरह से पारंगत थी। जब वह किसी थिएटर में नाटक करती थी तो उस किरदार को वह इस शिद्दत के साथ निभाती थी कि लोग उस किरदार को वास्तविक ही समझ लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जब इनके परिवार वाले इनका नाटक देखने आते थे तो वे भी उन्हें नहीं पहचान पाते थे। एक बार जब वह नाटक कर रही थी तो उस किरदार के मुताबिक उन्होंने एक सफेद विग पहनी थी और चारकोल मेकअप किया था। तब नाटक में सामने खड़े होने पर भी सुषमा को उनके घर वाले नहीं पहचान पाए। जब सुषमा नाटक से जुड़ी थी तो ध्रुव सेठ नाम के एक बिजनेसमैन से इनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी सुषमा ने काम नहीं छोड़ा। एक बार सुषमा जब थिएटर में नाटक कर रही थी तो एक बड़े प्रोड्यूसर श्याम बेहल ने उन्हें नाटक करते हुए देखा। तब श्याम बेहल उनकी एक्टिंग से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म जुनून में उन्हें एक्टिंग करने का चांस दे दिया और इस तरह उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। जुनून फिल्म के बाद इनके साथ कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने काम करने की इच्छा जाहिर की और जिसके चलते सुषमा ने उन बुलंदियों को छुआ जिसे हासिल करना हर किसी का सपना होता है। सुषमा सेठ की एक्टिंग के दीवाने राज कपूर साहब भी थे, जिन्होंने अपनी हर फिल्म में माँ के किरदार के लिए सुषमा को ही प्रायोरिटी पर रखा। सुषमा ने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड फिल्मों और टीवी में भी काम किया, जिसमें इनके किरदार को खूब पसंद किया गया। वहीं सुषमा की बेटी दिव्या सेठ भी इन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस है जो टीवी की दुनिया में बड़ा नाम है। बता दें कि टीवी शो हम लोग और देख भाई देख में दिव्या सेठ अपनी माँ के साथ काम कर चुकी हैं। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री भले ही इन दिनों बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन आज भी बॉलीवुड के बड़े कलाकार उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा कलाकार ना बॉलीवुड जगत में कोई है ना था और ना ही कभी कोई होगा। तो दोस्तों, सुषमा सेठ से जुड़ी इस कहानी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।